Assalamualaikum class 7, this is lecture 18. आज हमें आमिर कैफे के वर्ड्स मीनिंग लर्न करने हैं. टोटल आपके पास ये 18 हैं अगर आप अपने नोट्स ओपन करके देखें तो, लेकिन हमने आज सिर्फ 9 वर्ड्स करने हैं. आपने 9 वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग लर्न करने के बाद अपनी रफ नोटबुक्स पे राइट करने हैं, जो भी आपने यूज़ कर रहे हैं अपना काम राइट डाउन करने के लिए, चाहे वो शीट्स हैं, चाहे नोटबुक्स हैं, चाहे रजिस्टर्ड है, आपने नीटली नोट डाउन करनी है. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास टाइफो. वर्ब है ये हमारे पास टू प्रिवेंट समथिंग टू हैपन, रोकना. नंबर टू है क्रीपर. नाउन है प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड और प्लांट्स बेल. आपके घरों में भी बेल होगी होंगी अंगूरों की या इसी तरीके से दूसरी बेल आपने देखी होंगी. नंबर थ्री है हमारे पास इन्यूमरेबल. इन्यूमरेबल एडजेक्टिव है हमारे पास अनकाउंटेबल, लातदाद, मेनी यानी के. सेवर वर्ब है हमारे पास टू एंजॉय द फुल टेस्ट, मजा लेना. पल्सेट वॉक बीट और थ्रो, धड़कना. नंबर सिक्स है हमारे पास लेडन. एडजेक्टिव है लोडेड, लदा हुआ. नंबर सेवन रिडिक्यूल, वर्ब टू मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना. कैरिड अवे फ्रेज है हमारे पास टू लूज कंट्रोल, ख्यालात की रूह में बहना या बह जाना. नंबर नाइन हीव टू पुल और टग, खींचना. ये आपके पास 9 वर्ड्स हैं, इनको आपने प्रॉपर तरीके से लर्न करना है और साथ में जो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं जैसे प्रिवेंट है, हैपन, अनकाउंटेबल, बी, थ्रो, इस तरह वर्ड्स की स्पेलिंग भी लर्न करनी है, स्पेलिंग के साथ लर्न करना है आप लोगों ने. होप सो आप लोगों ने डिक्टेशन भी अच्छे से लर्न की होगी. आप लोगों ने जैसे ही हमारे वर्ड्स मीनिंग खत्म होंगे, कल वाले लेक्चर में हमारे वर्ड्स मीनिंग फिनिश हो जाएंगे, तो आपने लू शीट्स प्लान करनी है वर्ड सेंटेंस राइट करने के लिए. ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आपने प्लान करना है कि किस तरीके से इस स्टोरी की एंडिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि ये ट्रेजिक एंडिंग थी. आपने आमिर कैफे की एंडिंग राइट करनी है. इसके साथ जो आपका काम मैं असाइन कर रही हूँ वो ये है कि आपने आमिर कैफे की एंडिंग को राइट करना है रफ नोटबुक पे, और उस एंडिंग को आपने आपके मुताबिक आप क्या प्लान कर रहे थे या आपके माइंड में क्या था कि एंडिंग किस तरीके से होनी चाहिए, उस एंडिंग को आपने तकरीबन 5 to 6 लाइन्स में राइट करना है. 5 to 6 लाइन में राइट करने के बाद आपने जो है नीटली राइट करना है, उसके बाद आपने उनके वर्ड्स मीनिंग का काम राइट करना है. ठीक है, तो जब आप काम इस मंथ, ये जो कमिंग मंथ है इसकी 9-10 डेट को जब सबमिट करवाने आएंगे, तो इसके आपको अलग से प्लस मार्क्स दिए जाएंगे एंडिंग राइट करने के. ठीक है,